जय माता रानी की। दोस्तों, आज मैं आप सभी को दर्शन करवाने वाला हूँ माँ वैष्णो देवी धाम वृंदावन के। बहुत ही अद्भुत, और पूरे भारत भर में लाखों लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। तो आइए करते हैं माँ शेरावाली के दर्शन। तो मुख्य गेट से कुछ इस प्रकार से आपको दर्शन करने को मिलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और जो भी आपके पास जो सामान होता है उनको लॉकर में रखना आवश्यक है। अगर आपके पास कुछ भी कीमती सामान है तो उनका अलग से VIP लॉकर मिलता है, और वहाँ से आपको एक टोकन मिलता है जो आते वक्त आप सामान वापस टोकन देके ले सकते हो। दोस्तों, इस मंदिर का निर्माण नवंबर 2004 को प्रारंभ हुआ था और 20 मई 2010 को पूर्ण रूप से संपन्न हो गया था। उद्घाटन 22 मई 2010 को हुआ था। 2013 में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में सबसे ऊंची मूर्ति के रूप में इसे सम्मानित किया गया था। तो आइए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे अच्छी खासी सिक्योरिटी से आपको गुजरना होता है। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं माँ के मंदिर की तरफ और दर्शन करते हैं। माँ वैष्णो देवी की यह प्रतिमा भारत की सबसे ऊंची प्रतिमाओं में से एक है। इस प्रतिमा की ऊंचाई 141 फीट है। पास में ही हनुमान जी विराजमान है। माँ को लाल रंग की साड़ी पहनाई गई है। आभूषण और हथियार से अच्छे से सजाया गया। तो यहाँ से चलते हैं नीचे की तरफ। माँ वैष्णो देवी के इस भव्य प्रतिमा के नीचे ही बहुत ही बड़ा मंदिर है, जहाँ पे माँ वैष्णो देवी के दर्शन करेंगे। तो यहाँ से आगे बढ़ते ही कमल पुष्प पर विराजमान यमुना जी के भी दर्शन होते हैं। बहुत ही अच्छे और सुंदर दर्शन है। तो यहाँ से बढ़ेंगे मंदिर की तरफ। अंदर आते ही आपको कुछ इस तरह का नजारा दिखेगा। चारों तरफ अच्छे से सजावट, चारों तरफ भगवान की प्रतिमाएं लगी हुई है। तो यहाँ पे करेंगे माँ शेरावाली के दर्शन, और फिर देखते हैं पूरे मंदिर को चारों तरफ से। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, माँ के भक्तों की बहुत सारी भीड़ है। चारों तरफ मंदिर को अच्छे से सजाया गया है। बहुत ही सुंदर अद्भुत मंदिर लग रहा है, और एक बार फिर से दर्शन करिए माँ शेरावाली के। जय माता रानी की। माँ वैष्णो देवी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। कमेंट में जय माता दी की जरूर लिखें। माता रानी के इस मंदिर में आने के बाद आपको मंदिर से बाहर जाने की इच्छा ही नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही सुकून और शांति मिलेगी इस मंदिर में। और ये देख सकते हैं आप, मंदिर के चारों तरफ दीवारों पे सभी हिंदू देवताओं के आपको दर्शन करने को मिल जाएंगे। वाकई में ये मंदिर काफ़ी खूबसूरत और अद्भुत बनाया गया है। तो दोस्तों, मंदिर से बाहर निकलते ही बाईं तरफ आपको माता गंगा के दर्शन होंगे, और दाएं तरफ आपने माँ यमुना जी के आगे दर्शन किए ही थे। तो माँ गंगा के दर्शन कुछ इस तरीके से है। ये देखिए आप, बहुत ही प्यारे कमल पर विराजमान है। तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे। माता रानी के इस मंदिर को दिल्ली के कारोबारी जेसी चौधरी जी ने बनाया था। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन वाला नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर ले। मिलते हैं वृंदावन के नए एपिसोड में। तब तक के लिए जय माता दी की। माता रानी आप सभी की हर मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय माता दी की।